सरचार्ज। अब सवाल उठता है व्हाट इज सरचार्ज, और इससे भी बड़ा सवाल एक उठता है टैक्स वर्सेस सरचार्ज वर्सेस। हमने एक चीज़ देखी थी पिछले लेक्चर में, आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ता है। इन तीनों में अंतर क्या है? मतलब गवर्नमेंट आप पे टैक्स भी लगा रही है, गवर्नमेंट आप पे सरचार्ज भी लगा रही है, गवर्नमेंट आप पर सेस भी लगा रही है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? गवर्नमेंट आपसे तीन तीन तरह से टैक्स क्यों ले रही है? इसके अंदर देखिए, जो टैक्स होता है, आप अगर इन तीनों का पर्पस देखोगे तो जो तीनों है इनका पर्पस क्या है? रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इन टैक्सेस को लगाने का मकसद क्या है? रेवेन्यू कमाना। और ये जो रेवेन्यू है, इनकम टैक्स हमने देखा था, ये एंट्री नंबर 82 में आता है यूनियन लिस्ट की, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एंट्री नंबर 46 में है स्टेट लिस्ट की, बट एग्रीकल्चर पे अभी टैक्स है नहीं और पॉलिटिक्स को देखते हुए कभी लगेगा भी नहीं। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें 82 नंबर पे आपका इनकम टैक्स आता है ऑन अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो यूनियन लिस्ट में आने के कारण जो आपका इनकम टैक्स है उसका पैसा कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। यानी कि इनकम टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बट पैसे की आवश्यकता तो सबको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसों की आवश्यकता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसों की आवश्यकता है, दोनों को अपने लोगों के लिए काम करना है। तो क्या होता है ना, जो टैक्स का पैसा होता है वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। एक गवर्नमेंट का फंड बना हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट आपसे जितना भी पैसा लेती है सारा पैसा इस फंड में जाता है, और इस फंड का पैसा डिवाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। समझ आप? तो टैक्स का पैसा आपका जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI में, और वो डिवाइड होगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरी बात, जो टैक्स का पैसा है गवर्नमेंट उसका यूज़ किसी भी काम के लिए कर सकती है, जैसे एजुकेशन के लिए, सिविल सर्वेंट्स की सैलरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कोई भी यूज़। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको टैक्स का पैसा किस काम के लिए यूज़ करना है। बट ये तो हो गई टैक्स की बात। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर आपसे सरचार्ज ले रही है तो सरचार्ज के पैसे का यूज़ भी किसी भी पर्पज़ के लिए किया जा सकता है, चाहे वो एजुकेशन हो, इंफ्रा हो, सब्सिडीज़ हो, किसी भी यूज़ के लिए किया जा सकता है। सरचार्ज के पैसों पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। सरचार्ज में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बेनिफिट होता है, नो शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो सरचार्ज का पैसा होता है वो 100% कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। टैक्स का पैसा दोनों में शेयर होगा, सरचार्ज का पैसा दोनों में शेयर नहीं होता। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आप पे किसी चीज़ का सरचार्ज लगा रही है उसका मतलब है कि वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं होगा, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, अब तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो था सेस। टैक्स और सरचार्ज के बीच का तो अंतर हमको समझ में आ गया, दोनों के बीच में इकलौता अंतर है सिर्फ रेवेन्यू शेयरिंग का। सेस में एक तीसरा डिफरेंस है, सेस के अंदर एक तीसरा डिफरेंस आता है हमको, कि ये जो सेस का रेवेन्यू है इसका स्पेसिफाइड यूज होता है। सेस का जो फंड है उसका स्पेसिफाइड यूज होता है, शेयर होता ही है बट इसका यूज स्पेसिफाइड है। यानी कि ये जो आपके ऊपर जो टैक्सेस और सरचार्ज था उसका यूज़ गवर्नमेंट अपने सहूलियत के हिसाब से कहीं भी कर सकती थी, वो केस सेस के साथ नहीं है। सेस आपने जिस पर्पज़ के लिए लिया है उसी के लिए यूज़ हो सकता है। जैसा आपने देखा था जब केरला में फ्लड आई थी तो एक सेस लिया गया था, इस पैसे का क्या यूज़ किया गया था? केरला की गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए कि वो जो फ्लड इफेक्टेड पीपल हैं
उनको रिहैबिटेट कर पाए, उनको जो भी उनका कंपनसेशन बनता है वो दे पाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है उसको रीबिल्ड कर पाए। अब इनकम टैक्स में आप कौन सा सेस पे करते हो? इनकम टैक्स के अंदर आप पे करते हो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी कि नाम से यूज़ क्लियर होता है इसमें। गवर्नमेंट इस रेवेन्यू का यूज़ कहाँ कर सकती है? एक तो हेल्थ केयर की फील्ड में, जैसा आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो सब्सिडीज होती हैं उनमें, और एजुकेशन यानी गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो जब भी आप कोई सेस देखोगे तो सेस के साथ आपको उसका यूज़ पता रहेगा, ठीक है? तो स्पेसिफाइड जो पर्पस है उसी के लिए आपका सेस का पैसा यूज़ हो सकता है, ठीक है? तो ये था सेस सरचार्ज और टैक्स के बीच का डिफरेंस। अब सरचार्ज के रेट देख लेते हैं। सरचार्ज का रेट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन समझा रहा हूँ। देखिए, अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बेयर मिनिमम चीज़ें कवर करवा रहा हूँ जो आपके आगे की चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे आपके एडवांस टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको इनके एडवांस कॉन्सेप्ट कवर करवाता जाऊँगा। एकदम स्टार्टिंग में हम पूरे एडवांस समझ लेंगे तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए हम शुरुआत में कई चीज़ें स्किप कर रहे हैं। रेट्स ऑफ सरचार्ज, अगर आपकी इनकम लेस देन है, अगर आपकी इनकम लेस देन है 50 लाख रुपए, तो आपको 0% का सरचार्ज है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। बट अगर आपकी इनकम है 50 लाख से 1 करोड़ तक, तो आपको लगेगा 10% का सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आपको लगेगा 15% का सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% का सरचार्ज। और एक जो हाईएस्ट स्लैब है, यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है, तो आपको 37% का सरचार्ज लगेगा। आपको 37% का सरचार्ज लगेगा। हमने पिछली क्लास में एक केस छोड़ दिया था, हम उसका सिमिलर केस अब सॉल्व कर सकते हैं, अब हमको इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो अब आखिरी केस अब लेते हैं हम, केस नंबर 5 लिया था हमने, आई थिंक शायद 60 लाख थी इनकम उसमें। अब आप इस पर टैक्स निकाल सकते हो। देखिए, अप टू 2.5 लाख, 0, 2.5 लाख से 5 लाख। अब हम जैसा आगे बढ़ते जाएंगे ना, मैं आपको ये पूरी मेथड करने की जगह किस प्रकार से माइंड में टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए, सिंस हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी हम पूरा सॉल्व लिख कर सॉल्व करेंगे, ठीक है? 12,500, 5 लाख से 10 लाख, 20%, ये टैक्स का अमाउंट बनता है 1 लाख रुपये। ग्रेटर देन 10 लाख, 30%, यानी कि अब जो आपके बचे हुए 50 लाख हैं उस पर 30% का टैक्स लगेगा, ठीक है? 60 लाख में से 10 लाख का तो ट्रीटमेंट हो गया, बचे हुए 50 लाख के ऊपर 30% का टैक्स, यानी कि 15 लाख रुपए का टैक्स यहाँ पर बन रहा है। टोटल आपका टैक्स कितना बन गया? 16,12,500 रुपए का आपका टैक्स यहाँ पर बन गया। अब सवाल ये उठता है, सरचार्ज किस अमाउंट पे लगेगा? सरचार्ज हमेशा लगता है टैक्स के अमाउंट पे, ना कि इनकम के अमाउंट पे। यानी कि आपको 60 लाख का 10% सरचार्ज नहीं देना, आपको देना है सरचार्ज एट द रेट 10% ऑन टैक्स अमाउंट, यानी कि 161,250 आपको इस अमाउंट पे सरचार्ज देना है। तो आपके कितने अमाउंट पे यहाँ पे टैक्स लगे, कितना टैक्स टोटल हो गया आपका? 17,73,750। इसके ऊपर आपको HEC देना है 4% का।
समझ रहे हैं आप, ये आपका बन के आता है 70,950, यानी कि जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी आएगी वह आएगी 184,700। इस प्रकार से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है।